हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है। बोलो हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलो हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माँ जी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ। मेरी माँ जी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ। रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरे दिल ये कहता है। महाराज क्यों कहा जाता हारे का सहारा? मेरे कहने से जो काम आपका नहीं बन रहा है, आंख बंद करके आज बाबा के समक्ष बैठकर बाबा का ध्यान करके कह दो, पूरा जरूर होगा। क्योंकि इसकी मां ने ये कहा था, जो हारे तुम उसका साथ देना, और यही वरदान के रूप में श्री कृष्ण जी ने दे दिया था कि तुम्हारी चौखट पर जो हार कर आ जाएगा वो कभी हारा हुआ वापस। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है। बोलो जीतूंगा एक दिन मेरे दिल ये कहता है। कितने बैठे हो? अब कोई ये कह दे कि किंकर जी हम हारा मतलब जब कई काम नहीं बनता, सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तब इसकी चौखट पर जाना। और मैं तो कहती हूँ सबके चौखट पर जाने की जरूरत क्या है, इसकी चौखट पर एक बार सर को झुका लो। किसी के सामने सर झुकाने की आवश्यकता। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लज दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। इनको पिता मानो तो मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा पूरा है भरोसा। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। हो युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल। बोलो
उसमें एक भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए कौन? बर्बरी 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 बर्बरी। ये जो शीश देख रहे हैं ना, बाल करली करली घुंघराले, तो नाम पड़ गया बर्बरी। कम उम्र में माता पिता के आदेशानुसार तपस्या की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया, भगवान को प्रसन्न किया, शक्ति को प्रसन्न किया, तीन बाण और धनुष, तीन बाण प्राप्त हो गए। तीन बाण धारी महिमा अति भारी, तीन बाण धारी महिमा अति भारी। जो खाटू गए देखा होगा, तीन बाण लगे रहते हैं निशान, देखा है धनुष एक। अब सुनिए, जब शक्ति को प्राप्त कर लिया, अब जब कुछ मिल जाता है तो लगता है इसका प्रैक्टिकल भी किया जाए। इधर महाभारत का युद्ध चल रहा था, चले गए अपनी माँ से, कहने लगे माँ महाभारत का युद्ध चल रहा है, मैं उसमें सम्मिलित होना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा लड़ोगे किसकी तरफ से, क्योंकि दोनों ही पक्ष तुम्हारे परिवार के ही है, एक तरफ चाचा एक तरफ पिता, किसकी तरफ? तो बोले माँ आप बताओ। तो माँ ने कहा जो पक्ष हारे तुम उसका ही साथ देना। इतना सुना उठाया धनुष और निकल पड़े। तो माँ ने कहा रुक जाओ बर्बरी, जा तो रहे हो लेकिन तुमको यदि रास्ते में कोई मिल जाए और तुमसे कोई कुछ मांग ले तो उसको खाली हाथ जाने। माँ को प्रणाम किया, जैसे दुर्गा मैया की सवारी है, शंकर जी की सवारी है, गणेश जी की सवारी है, कार्तिकेय जी की सवारी है, विष्णु जी की सवारी है, उसी तरह मेरे बाबा की सवारी क्या है? ओ नीले घोड़े वाले, नीला घोड़ा नीले घोड़े वाले, तेरे खेल है निराले, तेरे खेल है निराले। चल पड़े, घोड़ा चल रहा है, टिक 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 टिक, हवाएं केशव, ये कौन आ रहा है जिसके आने मात्र से मौसम ने करवट ले ली? अब कृष्ण जी तो जानते थे, कृष्ण जी समझ गए, कहने लगे जो भी आ रहा है अगर ये आ गया तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। कृष्ण जी ने साधु ब्राह्मण का रूप रखा और सीधे चले गए और रास्ते में ही रोक लिया, रुक जाओ बर्बरी। बर्बरी का रथ रुक गया, प्रणाम किया है, हे ब्राह्मण देवता कौन है आप और आप मेरा नाम जानते हैं, कैसे आना हुआ? तो ब्राह्मण देवता बोले ये बाद में जानो कि मैं कौन हूँ, पहले ये बताओ तुम इतनी जल्दबाजी में जा कहाँ रहे हो? तो बर्बरी ने कहा हे ब्राह्मण देवता, अगर आप मेरा नाम जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता, नहीं नहीं ये मुझे पता नहीं है, तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? बताया महाभारत का युद्ध चल रहा है, मैं उसमें सम्मिलित होना चाहता हूँ। कृष्ण जी जो ब्राह्मण के रूप में थे, ब्राह्मण देवता बोले इतने बड़े बड़े योद्धा और तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े योद्धाओं का सामना कैसे करोगे? तो बोले प्रभु ये जो तरकश में तीन बाण है ना, इन बाणों से मैं पूरा युद्ध समाप्त कर दूंगा। बोले अच्छा जनक, देखे तुम्हारे तीन बाणों की क्या विशेषता है? तो विशेषता दिखाई, प्रभु ने एक बाण निकाला, चढ़ाया, सामने था पीपल का पेड़ बरगद का, और देखते ही देखते धनुष को छोड़ दिया और सारे पत्तों में छेद, एक पत्ता पैर के नीचे दबा लिया कृष्ण जी ने। ए, ए, तीर आए। अच्छा तीर में एक विशेषता थी, उस तीर को जो टारगेट किया जाता था अगर वह इंडिया से भी बाहर बैठा तो उसको भी मार के भी वापस आएगा। अब वो ऐसे से घूमने लगा। कृष्ण जी समझ गए कि अगर ये चला गया तो कुछ भी बचने वाला। कृष्ण ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी इस शक्ति को देखकर, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जी प्रभु मांगिए। उन्होंने कहा कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए मुझे किसी तीन लोगों के शीश चाहिए, या तो एक हो केशव, मैं केशव का शीश ले नहीं सकता क्योंकि उन्हें युद्ध रचना है,
या तो अर्जुन अर्जुन का शीश ले नहीं सकता क्योंकि उन्हें युद्ध खेलना है। तुम उसी परिवार के हो, हे बर्बरी क्या तुम अपने शीश का दान दोगे? बर्बरीक की माँ ने कहा था रास्ते में कुछ मांगे तो मना। बर्बरीक ने सोचा ना समझा, निकाली तलवार और शीश से अर्जुन अलग कर दिया। बोलो शीश के दानी की जय। प्रभु अपने स्वरूप में आ गए, बोले मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो बर्बरीक। बर्बरीक ने कहा प्रभु युद्ध खेलने आया था, युद्ध खेल नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूँ। अमृत का पान करवाया, एक ऊंची पहाड़ी पर इसी शीश को लेकर दिया और पूरा युद्ध समाप्त हो गया। पांडवों के मन में अहंकार आ गया, सबसे अच्छा युद्ध हमने खेला, अब कोई बताने वाला नहीं, सब मर गए। अरे त्राही त्राही मच गई थी महाभारत के युद्ध में, कोई बताने वाला नहीं कि कौन अच्छा। तो बोले एक है कौन, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले चलो चले मुरली वाले के पास। पहुंच गए। कृष्ण जी ने कहा कैसे आना हुआ पांडव? पांडवों ने कहा प्रभु हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सबसे अच्छा युद्ध किसने खेला। अर्जुन कह रहे हमने खेला, भीम कह रहे हमने खेला, युधिष्ठिर कह रहे हमने खेला, नकुल सर। तो बोले अरे भैया मैं तो रथ चला रहा था, ड्राइवर था, मैं कैसे बताऊं? तो बोले अब बताएगा कौन? तो बोले एक है जिसने युद्ध देखा है, कौन? चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, अरे चलो चले चलो चले उस शीश के पास। बोले हे बर्बरी ये पांडव तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं कि इनमें सबसे अच्छा युद्ध किसने खेला। बर्बरीक मुस्कुराने लगे अरे पांडव किस बात का अहंकार करते हो, मैं पूरी रणभूमि में देख रहा था, मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इतना सुना कृष्ण जी प्रसन्न हो गए। कृष्ण जी ने कहा मांगो बर्बरीक, तुम क्या मांगना चाहते हो? बर्बरीक ने कहा प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण जी जब एक चीज देखो, जब इनसे कुछ नहीं मांगोगे तो ये वो दे देंगे जो आपने ख्वाबों में भी। बर्बरीक ने मना कर दिया कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण जी ने कहा बर्बरीक मैं आज से तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी पूजा हर घर में होगी, और जब कोई श्याम कहकर बुलाएगा तो ये मुरली वाला श्याम नहीं बल्कि तुम उसके काम बनाओगे। खाटू नरेश की। दूसरा वरदान जो तुम्हारे दरबार में हार कर आ जाएगा वो कभी हारा हुआ वापस हारे के सहारे की। फिर एक वरदान दिया, तुमने अपनी माँ को वचन दिया था कि तुमसे कोई कुछ मांगेगा तो उसे खाली हाथ। मैं ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारी चौखट पर जो भक्त आ जाएगा और कुछ मांग लेगा वो कभी खाली हाथ वापस। बोले लख दातार की। इतना सुना बर्बरीक प्रसन्न हो गए। बोल खाटू नरेश की। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, ओ बाबा शीश का दान दिया है, खुश हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है, ओ बाबा ये वरदान दिया है, बाबा ये वरदान दिया है। क्या दिया? सूर्य की किरणें आरती उतारी, जब तक रहेंगे छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार, ओ बाबा मरते दम तक। मेरे कहने से अगर काम नहीं बन रहा है तो एक बार खाटू जाओ जयपुर, जयपुर पहुंचेंगे तो रिंगस के लिए बस मिलती है, अगर कन्विंस जाएंगे, और रिंगस से आप खाटू जाएंगे, खाटू से बाबा के दर्शन कर लेंगे। और निशान चढ़ाया जाता है, निशान भी आप लोग चढ़ा सकते हैं, कहते जो निशान चढ़ाता उसकी तो और जल्दी बिगड़ी बन जाती है। हाँ जी, रिंगस से
खाटू के लिए निशान उठाया जाता है ना। तो गाओ, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार हो बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार हो बाबा, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार हो बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा। देखो कैसे कलयुग में दो देवताओं का बोलबाला है और दोनों भक्त भगवान नहीं है, दोनों भक्त, इनको भी भगवान से आशीर्वाद मिला हाँ। और एक दूसरे कौन है बताओ, कौन है आए है, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी भी भक्त हैं, भगत के वश में है, भगत के वश में है भगवान, 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 कुछ भी नहीं है भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत की वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे महाराज, हमको बड़ा अहंकार है, अगर हम पतित नहीं होते तो इनको पावन कौन कहता, अजी हम दीन नहीं होते तो ये दीनानाथ, तो भक्त तो बड़े रंगबाज है, अगर भक्त नहीं तो गाओ भगत की।